हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल। मैं स्विद आर्ना। आप देख सकते हो हम नंबर सिस्टम में काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं और ये लास्ट के ही इवेल्युएट जो है लास्ट एक्सरसाइज रह गई है। तो इसकी ये आरएस अग्रवाल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, पहला क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजीब है, ठीक है, समझ में कम आ रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कितना टफ है, लेकिन ये उतना ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो देखो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, 3, यानी कि इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब होता है 1/3, ठीक। क्यूब रूट 3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 4 3 -2 की पावर 1/3, ठीक है। अब a की पावर m की पावर n आपने अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया था, इसका मतलब है ये, यानी कि 3 4 3 का मतलब है माइनस का 2/3। पावर बन गई इजी, ठीक है। 3 4 3 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो आप 9th क्लास में हो, आपको आती होगी, ये 7 का क्यूब है, तो ये 7 7 जा 49, 7 जा 3 4 3, यानी कि ये 7 की पावर 3 है। इसको फिर किस तरीके से लिख सकते हो आप, माइनस का 2/3 लिख सकते हो, 3 से 3 कटा। अब देखो ये 7 की पावर -2 है, -2 का मतलब मैं प्रीवियस भी बता चुकी हूँ, माइनस का मतलब इनवर्स होता है, 7 के नीचे अंदर कुछ नहीं है, तो आप क्या मानोगे, 1। हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसको आप दो बार लिखोगे, 1/7 × 1/7, यानी कि 1/49 इज द आंसर। अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, 5√32 की पावर -3, इसको हम वही सेम, देखो रूट 5 का यहाँ पर मतलब है 1/5, यानी कि जो रूट में होता है उसका मतलब होता है डिनोमिनेटर में जाना। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 की पावर -3 की पावर 1/5, इसका मतलब है 32 की पावर -3/5, ठीक है। -3 × 1/5 करोगे, -3/5, एक एक स्टेप करके नहीं दिखाना है, जब आपको आ जाता है तो आप सीधा लिख सकते हो। इसको हम लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 की पावर -3/5, ठीक। ये आपका बनेगा 2 की पावर 5 की पावर -3/5। अब वही तरीका लोज लगाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कट जाएगा 5 से 5, ये आएगा 2 की पावर -3, वही इनवर्स। देखो इसके अंदर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, आप क्या मानोगे, 1। रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/2 की पावर 3, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। इसको 3 बार लिखोगे, 1/2 1/2 1/2, यानी कि 1/8 इज द आंसर। इवेल्युएशन इज सिंपल, बस देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, उतनी ही इजी होती है। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। विद इन 4 और 5 डेज आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।